हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ग्लोबल एज पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर नई भर्ती जो आई है उनके बारे में जानकारी। ठीक है, तो ये देखिए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर मैंने अपना जो फ़ोन की स्क्रीन है वो खोल रखी है वेबसाइट। तो ये देखिए, यहाँ पर आपका जॉब एडवर्टाइजमेंट में अगर हम जाते हैं तो यहाँ आपको ये देखिए वैकेंट जॉब अंडर एंटरप्राइजेज। ठीक है, तो एक सेकंड। हाँ जी, तो मैंने अपना बर्थ ले लिया है, इसमें जो मैं पेन से आपको दिखा दूंगा अच्छे से। ये देखिए, हरियाणा जॉब्स अंडर एंटरप्राइजेज। तो एक नंबर है तो सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तो ये जो पोस्ट है, डेजिग्नेशन ये जो है, इसके लिए वैकेंसी निकली हुई है। स्टार्ट डेट देखिए 29/5/2023 से ये जो फॉर्म है वो अप्लाई शुरू हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन इनके लिए, और 5-6 तक ये चलेगा। जॉब डिटेल देखिए, पेंट्स कंपनी एक्सपीरियंस्ड विल बी प्रेफर्ड। ठीक है, पेंट्स की कंपनी में अगर किसी ने काम कर रखा है, एक्सपीरियंस है, तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी और आप यहाँ से इसको अप्लाई वगैरह कर सकते हो। आगे देखिए, शेविंग मशीन ऑपरेटर्स, सैम्पलिंग टेलर्स, लायरमैन, कटरमैन। ठीक है, तो इन सभी के लिए, इन डेजिग्नेशन के लिए ये वैकेंसीज है। डेट वगैरह सब सेम है। ड्यूटीज क्या रहेंगी, टेलरिंग रहेगी, कटिंग रहेगी, सैम्पलिंग रहेंगी और फिनिशिंग रहेगी। ठीक है, तो सिलना और कट करना, सैम्पल तैयार करना और उनकी फिनिशिंग तैयार करना। ठीक है, ये सभी उसमें काम रहेगा उसका। आगे देखिए, शेविंग मशीन ऑपरेटर, सैम्पलिंग टेलर, लायरमैन और कटरमैन। ठीक है, तो इन सभी में भी ड्यूटी सेम रहेगी, टेलरिंग, कटरिंग, सैम्पलिंग एंड फिनिशिंग सेम ही है ये तो। ठीक है, और आगे देखिए, आगे वाले भी शेविंग मशीन ऑपरेटर, सैम्पलिंग टेलर, लायरमैन, कटरमैन, इन सभी के लिए ये सारा सेम है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो, ये सभी सेम ही दे रखी है। 2, 3, 4, 5 तक। अब 5 के बारे में अगर हम बात करें तो हेल्पर के लिए है ये वैकेंसी, और ये सोनीपत के लिए है, सिर्फ सोनीपत में ही होंगी। इसके लिए कुछ स्पेशल आप क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं चाहिए। हेल्पर के लिए आप हर कोई अप्लाई कर सकता है। एरिया सेल्स मैनेजर, तो जो भी सोनीपत के हैं वो जॉब चाहते हैं कौशल के तहत, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं ऊपर वाले को, 5 नंबर को। एरिया सेल्स मैनेजर के लिए देखिए, अदर रिक्वायरमेंट कैंडिडेट शुड हैव वेल वर्स्ड एंड विद मार्केटिंग प्रोसेस ऑफ शूज़ एंड एक्सेसरी। तो शूज़ वगैरह के लिए है ये एरिया सेल्स मैनेजर। LA और AWP, रेवाड़ी के लिए LA वगैरह की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आप देख, हायरिंग ओनली अबाउट 25 ईयर्स एज, एज आपकी 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, बाकी आप कुछ भी क्वालिफिकेशन आप ही आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और कम्युनिकेशन ऑफिसर्स वोमेन के लिए। ठीक है, तो ये आप पंचकुला की हैं ये भर्ती, सिर्फ ये मतलब पंचकुला में ही ड्यूटी आएगी इनकी। आप अगर पंचकुला से हो तो आप कर सकते हो, अगर आप पंचकुला में जॉब करना चाहते हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 हरियाणा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो 112 जो टोल फ्री नंबर है हरियाणा का इमरजेंसी का, उसके लिए चाहिए ऑपरेटर्स वगैरह, कम्युनिकेशन होना चाहिए उनको, मतलब फ़ोन पर बैठा दिया जाएगा, फ़ोन पिकअप करने के लिए कॉल सेंटर में बैठा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये उनकी ड्यूटी है, सिर्फ वुमेंस के लिए है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। तो जो वुमेंस पंचकुला से हैं और जॉब करना चाहती हैं, या फिर जो पंचकुला में जॉब करना चाहती हैं, वो इसको अप्लाई कर सकती है। कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर, ये पंचकुला के लिए है ये भी, और मस्ट हैव कंप्यूटर रिपेयरिंग नॉलेज, कंप्यूटर रिपेयरिंग की नॉलेज होनी चाहिए। मस्ट हैव ए 2-व्हीलर विद वैलिड लाइसेंस, आपके पास दो व्हील वाला स्कूटी या बाइक जो भी व्हीकल है वो होना चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, इस जॉब को करने के लिए। आगे है प्रोडक्शन ऑपरेटर, स्पिनिंग। ठीक है, तो ये हिसार की जॉब है, आप इस जॉब को सिर्फ हिसार में कर सकते हो। यान मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस, फिजिकल फिट, मिनिमम हाइट देखिए, मिनिमम हाइट है 5'2", नो कलर ब्लाइंड। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए यान का। तो हिसार के लिए ही, अगर आप हिसार से हो और जॉब करना चाहते हो, या फिर हिसार में जॉब करना चाहते हो, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आगे देखिए, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर फायरमैन। ठीक है, ये पहले भी बहुत ज़्यादा निकल चुकी है, जॉइनिंग भी हो चुकी है इन सभी की फायर डिपार्टमेंट में, और सभी को पता है कि अभी ये अलग हुआ है डिपार्टमेंट कमेटी से, तो इसमें ज़्यादा वैकेंसी निकल रही है। फतेहाबाद के लिए है फिलहाल, फतेहाबाद में जो भी जॉब करना चाहता है
उनके लिए क्वालिफिकेशन देखिए, एसएससी मतलब 12th आपको पास आउट होना चाहिए या फिर इसके बराबर कोई भी, और हैवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए आपके पास एज ए ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन, ठीक है। एक्सपीरियंस मिनिमम 5 साल का होना चाहिए आपके पास, और फायर सर्विसेज एज शुड भी लेस देन 45 साल से 45 ईयर से कम आपकी एज होनी चाहिए। फिजिकल असेसमेंट टेस्ट विल बी कंडक्ट बाई हेड, ठीक है, IFS जो भी है, तो आपका जो भी ऑफिस है वहाँ आपका फिजिकल टेस्ट हो लिया जाएगा, ठीक है, चलवा के देखा जाएगा गाड़ी वगैरह जो भी उनकी होती है। तो ये सभी नोट कर लीजिए आप, और जो भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो 29/5/2023 से 5/6/2023 तक सभी की, जो मैंने आपको 11 वैकेंसी बताई है उन सभी के लिए सेम है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय।